Hey guys, this is Nikki and welcome back to my channel Nikki's Kitchen. मैं आज के आज आप लोगों के साथ एक डिश शेयर करना चाहूंगी जो है मशरूम पकोड़ा. इसके लिए हमें चाहिए मशरूम. मैंने उसको धो के अच्छे से ऐसे स्लाइस में कट कर दिया है. एक बड़ा ऑनियन, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर दिया है. चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड कोरिएंडर लीव, चॉप्ड करी लीव, 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1/4 टेबलस्पून of turmeric powder, 1/4 tablespoon of red chili powder, 1 tablespoon of garam masala powder, 4 tablespoon of besan, 1 tablespoon of ginger garlic paste, asafoetida powder, orange color और oil. तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं. पहले एक बाउल में मशरूम को डालिए, फिर उसके बाद कटा हुआ ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, राइस फ्लावर, बेसन, कोरिएंडर लीव, करी लीव. एप्सोइडा पाउडर, लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज कलर. इसको सब अच्छे से मिलाइए, मिक्स कीजिए. वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिए. बेसन चाहिए तो ऐड भी कर सकते, ऐड करके के मिक्स कीजिए. इसको ऐसे अच्छे से मिला के इसके जैसा पेस्ट जैसा बना दीजिए. फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर ढक्कन लगा के छोड़ दें. अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए. अभी ऑयल भी गर्म है. अभी हमने जो ये मशरूम का पेस्ट बनाया था इसका ऐसे बाउल बना के ऑयल में तलेंगे. इसको ऐसे बॉल बना के तेल में डाल दें. फिर इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कीजिए. अभी ये देखिए हमारा मशरूम पकोड़ा हो गया है. इसको लो मीडियम फ्लेम तक 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते रहे. अभी ये कलर भी चेंज हो गया है. फिर इसको हम प्लेट में पेपर टॉवल डाल के इसको फिल्टर करते हैं. हे गाइस, अभी हमारा मशरूम पकौड़ा रेडी हो गया है. आप मेरी ये वीडियो देखिए. अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग.